अच्छा जेड टी इम्पीडेंस, जेड टी जो आपकी टोटल इम्पीडेंस है उसको आपने फ्रिक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी उसका अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स देखना है तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है आपकी फिगर वन की हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि आपको ये फॉर्मूला गिवन है। फिगर वन आपकी वही जो आपकी पहली फिगर थी ये वाली आपकी फिगर, ये इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास टोटल इम्पीडेंस आ गई आपका रियल कंपोनेंट प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट्स, इमेजिनरी कंपोनेंट्स आप लोगों ने अलग कर लिया और रियल कंपोनेंट्स अलग हो गया। अब इसको आप लोगों ने इसके जो मैग्नीट्यूड था इम्पीडेंस का वो आपका ये है। मैग्नीट्यूड ये किस तरह फाइंड हुआ आपको पता है कि जब आपकी फेजर फॉर्म थी होती है जब तो उसमें आपका एक एक मैग्नीट्यूड होता है जो जी होता है यहाँ पे और आपका यहाँ पे एक थीटा होता है एंगल जो जिसको जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें आपके आप लोगों ने मैग्नीट्यूड क्या करते हैं आप लोग स्क्वायर रूट और ये रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर होते हैं ये वही बिल्कुल सेम चीज है वो। तो अगर आप लोगों ने इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व आप लोगों ने देखना हर एलिमेंट का तो आप लोग ये कर सकते हैं ये जो है इक्वेशन उस चीज को शो कर रही है जिसमें सिंपली आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी को लिख दिया साथ हर कंपोनेंट के साथ। तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि आप लोग हर कंपोनेंट को चेक कर रहे हो उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख रहे हो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है उस कंपोनेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का अगर आप लोगों ने देखना है तो फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेट लाइन आती है। अगर आप लोगों ने इंडक्टर के केस के ऊपर देखना है तो उसके एक्सएल के रिएक्टेंस जो है आपके इंडक्टर की उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो आप लोग फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों के पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बिल्कुल y = mx + c जो स्ट्रेट लाइन हमारी इक्वेशन थी हम लोगों ने पढ़ी हुई एफ एस सी के अंदर। इसमें आपको जो y रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, m जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 2πL और जो x है आपका फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। सिमिलरली एक्स सी को अगर आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है तो आप लोगों के पास फॉर्मूला x = 1/2πfc डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपके पास जो रिएक्टेंस आएगी कैपेसिटर की वो ऐसी ही होगी। इन दो ये दो फिगर्स आपके पास आई इन दोनों को अगर आप लोग कंबाइन करें तो आपके पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है जो कि आपकी ये मिड पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रही है और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप लेफ्ट साइड के ऊपर आपका सर्किट जो है टोटली कैपेसिटिव बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस आपका रिएक्टेंस जो है आपके कैपेसिटर के वो ग्रेटर देन है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर जो आपका सर्किट जो है टोटली इंडक्टिव नेचर है क्योंकि वहाँ पे आपके जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो ग्रेटर देन है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को आप लोग फर्दर सॉल्व करें अगर आपके जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसको आप लोग फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास एक रिएक्टिव कंपोनेंट आता है जो कि आपका डिपेंड करता है इन डिफरेंस के ऊपर जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो और एक आपके पास कोई वैल्यू है एक रिएक्टिव कंपोनेंट की उसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो आपके पास एक इम्पीडेंस कर्व आता है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा जो आपका इस चीज को इस तरह का होगा आपका। अब ये जो आपका इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो आपके पास है ये बता रहा है कि आपके रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है आपकी इम्पीडेंस लो होती है और वो जो इम्पीडेंस होती है वो आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी जबकि आपका हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो आपका जो रिस्पांस कर्व है वो आपका एसिमेट्रिकल नेचर हो जाता है। आज तक के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।